नीट विवाद के मामले में आज एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनटीए से पूछा था कि कितने कैंडिडेट्स ने गड़बड़ी का फायदा उठाया। साथ ही सीबीआई को ये बताना है कि उसकी जांच अब तक कहां पहुंची। वहीं केंद्र सरकार से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी मांगी है। इसके अलावा री एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मांगी गई है, जो 10 पेज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इन सभी के पास जवाब दाखिल करने के लिए आज शाम 5 बजे तक का वक्त है। और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने माना था कि पेपर लीक हुआ है। अब ये देखना है कि ये कैसे हुआ है और कितना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ये भी देखना चाहेंगे कि पेपर लीक कैसे हुआ। इन जवाबों के आधार पर ही दोबारा एग्जाम करवाने के बारे में फैसला किया जाएगा। और इस बीच सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में नालंदा और गया से सुनी कुमार और रंजीत नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सन्नी एक परीक्षार्थी है, जबकि रंजीत एक परीक्षार्थी का पिता है। इन दोनों पर पेपर लीक करवाने में शामिल होने का आरोप है। इसके साथ ही सीबीआई ने इस मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने इस केस में कुल 6 FIR दर्ज की है, जिसके आधार पर बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र तक जांच का दायरा बढ़ गया है।